नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। जिसने भी उपनिषद, गीता और वेद पढ़े हैं, उसने ये जरूर महसूस किया होगा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा चुकी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़ा हिंदुत्व हजारों साल पुरानी संस्कृति और परंपरा है, जिसे जानने का कोई दावा नहीं कर सकता। आखिर क्यों फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता रोमन रोलैंड क्यों ये मानते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया हिंदू धर्म के आगे झुकेगी, और हर साल की तरह आखिरकार क्यों ब्रिटेन के सांसद बाइबल की जगह गीता पर हाथ रख शपथ लेकर क्यों कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारतीय संस्कृति इतना प्रभावी है कि देश से जाने के बाद भी कोई इंसान इससे अलग नहीं रह सकता। इसी की एक मिसाल छोड़ रहा है ब्रिटेन का एक ऐसा राजनेता जिसने ईसाई देश में रहते हुए हमेशा भारत का मान बढ़ाया है। हम बात कर रहे हैं इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद और कंजर्वेटिव पार्टी के उभरते सितारे सांसद ऋषि सुनक की, जो फिलहाल देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये कैसे राजनेता हैं जो सिर्फ हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर ही शपथ ग्रहण करते हैं। जब जब वो बाइबल की जगह गीता पर हाथ रख शपथ लेते हैं, तब तब उनका विरोध होता है, जिस पर वो बड़ी ही बेबाकी और गर्व से कहते हैं कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक जरूर हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरी पहचान भी हिंदू ही है। ऋषि सुनक उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म पर सवाल खड़े कर देते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार हिंदू धर्म का मजाक बना देते हैं। जबकि हिंदू धर्म में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता से ही व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है, इंसान को कुदरत के करीब लाता है। धर्म परिवर्तन नहीं सिखाता बल्कि सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है। हालांकि जो लोग अपने फायदे के लिए ये दावा करते हैं कि उन्हें हिंदुत्व का ज्ञान है, वो सर्वज्ञानी हैं। इस पर पीएम मोदी क्या कहते हैं देखिए। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा, हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है, ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है, और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है, किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूँ, नामदार कर सकते हैं। दुनिया के जाने माने भविष्यवक्ता नास्त्रदमस और पीटर हरकोस ने अपनी भविष्यवाणी में इस बात के साफ साफ संकेत दे दिए थे कि भविष्य में हिंदू धर्म उभरेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा। वहीं फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता रोमन रोलैंड ने भी ये कहा कि एक दिन पूरी की पूरी दुनिया हिंदू धर्म के आगे झुकेगी, लेकिन कैसे।
विजेता दार्शनिक रोमन रॉलैंड ने विश्व में हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना। उनका कहना है, मैंने यूरोप और मध्य एशिया के सभी मतों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को झुकना पड़ेगा। पृथ्वी पर केवल एक स्थान है जहाँ के जीवित व्यक्तियों ने प्राचीन काल में अपने स्वप्नों को साकार किया है, और वो है भारत। हिंदू धर्म को लेकर रोमन रॉलैंड ने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ झुकने का अर्थ हिंसा या धर्मांतरण के बल पर नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान के आगे झुकने की बात है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्वतंत्रता और मोक्ष ही धर्म का सच्चा मार्ग होता है। असल में धर्म के यही आधार होने चाहिए। हिंदू धर्म में व्यक्ति की निजता का सम्मान किया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव नहीं, बल्कि स्वयं की खोज पर बल दिया जाता है। जब कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व देश को बांटने का काम कर रहा है, तो ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका सिखाता है जिसमें सभी को साथ लेकर चलना होता है। हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में, हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है, और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है, किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूं, नामदार कर सकते हैं। जो दावा ऋषि मुनि नहीं करते थे वो नामदार कर सकते हैं। उनके इस ज्ञान, उनको मुबारक और देश को भी मुबारक, ताकि आपका मन हल्का फुल्का रहता है, जरा मनोरंजन मिल जाता है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले उनके एक नेता ने सनातन धर्म पर ही सवाल उठा दिए, और ये लोग कैसे हैं जो कहते हैं उनको हिंदुत्व का अगाध ज्ञान है। अरे हिंदुत्व की कई पहलू है, एक पहलू ये भी है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये हिंदुत्व की एक परिभाषा छोटी सी, छोटा आदमी, गांव का आदमी बता देता है, लेकिन
जिस हिंदुत्व का ज्ञान के आप ठेकेदार हो, आप पूछ रहे हो मोदी की जात कौन सी है।